यमुना और बेतवा नदी में आई बाढ़। एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। बाढ़ पीड़ितों को जरूरी सामान कराया उपलब्ध। नोएडा में लुटेरे के बड़े गिरोह से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने चार बदमाशों को किया गिरफ्तार। लखनऊ के लोहिया पथ पर भीषण सड़क हादसा। टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में एक की मौत, तीन लोग घायल। रायबरेली जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त। अपराधियों पर नहीं लग रहा लगाम। बाइक सवार दबंगों ने युवक को मारी गोली। आगरा में नर्स के घर में दबंगों ने जमकर मचाया तांडव। घर खाली कराने को लेकर हुआ हंगामा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। बस्ती अयोध्या हाईवे में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि कंटेनर से पीछे कार टक्कर मार गई, जिससे ये भीषण सड़क हादसा हुआ। लखनऊ से बस्ती आते समय यह हादसा हुआ। कार में सात लोग सवार थे, जिसमें से पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे शवों को बाहर निकाला। हमीरपुर जिले के यमुना और बेतवा नदी में विकराल बाढ़ आ गई, जिसके चलते कई गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें से कुछ गांव टापुओं में तब्दील हो चुके हैं और लोग अपने अपने घरों की छतों पर ऊंचाई वाले स्थानों में रह रहे हैं। सीएम योगी के हमीरपुर जिले में बाढ़ग्रस्त इलाकों के सर्वेक्षण के बाद उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को मदद करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद खुद एसपी हमीरपुर मोटर बोट में सवार होकर बाढ़ प्रभावित गांव पहुंचे और उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को जरूरी सामानों के साथ राशन और खाना उपलब्ध कराया। यहाँ लगभग 27 गांव बाढ़ पीड़ित हुए हैं और परेशानियां तो ही हैं। जिनके घरों में पानी भरा हुआ है, खाने के लिए दिक्कत है, रहने के लिए दिक्कत है, पशुओं के चारे के लिए दिक्कत है, कुछ लोग दवाइयों के लिए हुए हैं। तो प्रशासन और पुलिस की टीमें हर जगह जाकर के ये कोशिश कर रही हैं कि हर आदमी तक सहायता पहुँचे। घरों में जिनके खाने की असुविधा है, उन तक खाने के पैकेट भिजवाए जा रहे हैं। हम तमाम इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ले रहे हैं, उन तक पैकेट पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, उन वह भी उन तक पहुंचाई जा रही हैं। जैसे आज लोगों ने डिमांड किया कि साहब माचिस की दिक्कत है, आपको मोमबत्ती की दिक्कत है, तो हम वहाँ से मंगा कर उनको अभी वितरित किए हैं। फूड पैकेट्स भी वितरित किए हैं। इसके अलावा अन्य जो भी आवश्यक सामान है उनको वितरित। इस खबर पर हमारे साथ ब्रिजेश जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, मैं आपसे आना चाहूंगी, अभी फिलहाल बाढ़ की क्या स्थिति देख पा रहे हैं हमीरपुर में और किन हालातों से गुजरना पड़ रहा है आम लोगों को? जी, आपको बताना चाहूंगा कि स्थिति इस समय सामान्य है। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है और यहाँ के जो जिला अधिकारी है और पुलिस कप्तान है लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में घूम घूम कर जो है बाढ़ ग्रसित लोगों से मुलाकात करके उनकी जो राहत सामग्री है उनको समय समय पर मुहैया कराई जा रही है। जी, राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही है, लेकिन जिन लोगों के घरों में भी क्षति हुई है उनके लिए किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? उसके लिए अभी आधिकारिक तौर पर अभी कोई साफ निर्देश जारी नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं कि जिनके मकान गिरे हुए हैं उनको 4 लाख की आर्थिक सहायता उनकी तरफ से मुहैया कराई जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाढ़ प्रभावितों की मदद करने खुद एसपी पहुंचे, निरीक्षण किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद। उसके बाद तत्काल वहां पर जरूरी दिशा निर्देश पारित कर दिए गए हैं। आगरा के फतेहाबाद कस्बा में पुरानी सीएससी में नर्स के घर में दबंगों ने जमकर तांडव मचाया। दबंगों ने शराब के नशे में नर्स के घर पर हमला कर दिया। नर्स के घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की। बता दें कि दबंग नर्स का मकान खाली कराना चाहते थे, जिसके चलते दबंगों ने तोड़फोड़ की। इस खबर पर हमारे साथ ममता जुड़ चुकी है। ममता,
नर्स के घर दबंगों ने तोड़फोड़ की है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पुराना सीएससी है वहां नर्स का घर है। वहीं पर नर्स के घर पर कुछ दबंग किस्म के जो लोग हैं, दबंग प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो उसके घर पर कब्जा करना चाहते हैं। तो इसी को लेकर नर्स के घर पर ये रात में उसके घर पर घुस के उसकी तोड़फोड़ की है, इस तरह की बर्बरता की है। और उन्होंने कैसे भी करके उस नर्स ने अपनी घर से निकलकर बाहर निकलकर की जान बचाई है। जी अभी तक इस पूरे मामले पर पुलिस की कोई कार्रवाई हुई है? पुलिस अधिकारियों ने कोई निर्देश दिया है कि दबंगों के खिलाफ जिस तरह का दबंगों द्वारा कृत्य किया गया उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है अभी तक फिलहाल? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है और तत्काल ही वहां मौके पर पुलिस पहुंचती है और पूरे मामले पर कार्रवाई की बात करते हुए जो दबंग है, जो दबंगों के नर्स के द्वारा जो नाम बताए गए हैं उनके घर पर दबिश स्टार्ट कर दिया है। जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दबंगों ने नर्स का घर खाली कराने को लेकर हंगामा काटा। गाजीपुर जनपद के सैदपुर कोतवाली राजीव कुमार सिंह, प्रभारी अपराध निरीक्षक विश्वनाथ यादव, एसओजी प्रभारी विनीत राय की टीम ने सफलता हासिल की। गाजीपुर के सैदपुर कोतवाली पुलिस और स्वात टीम ने क्षेत्र के बैरवा नहर पुलिया के पास से एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पिस्टल, कारतूस के साथ ही बाइक बरामद की है। सैदपुर कोतवाल प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले थाना क्षेत्र के भितरी चौकी के सियाया गांव में खेत में किनारे बैठे एक युवक को गोली मारकर हत्या कर वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत था, हत्यारों की तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ स्थानीय थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। अभियुक्तों का संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया गया है। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और लुटेरे के बड़े गिरोह से मुठभेड़ हो गई। नोएडा के सेक्टर 35 टी पॉइंट के पास में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कार में यात्रियों को बैठाकर लूटपाट करने वाले गैंग के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट की गई चीजें भी बरामद की हैं। देखिए, एनसीआर में एक लुटेरों का गैंग था जो कार लेकर के जहाँ भी सवारी खड़ी होती थी वहाँ जाकर के सवारी के रूप में उनको बिठाते थे, उसके बाद सुनसान जगहों पे छोड़ दिया करते थे। यहाँ पे ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ भी देखी गई जिसमें लोग दिल्ली में जो भी बस स्टैंड्स वगैरह थे वहाँ से लोगों को बिठा के लाकर और उसके बाद हमारे यहाँ जो सुनसान सड़कें थी, सर्विस रोड्स थे, उस पर छोड़ दिया करते थे और उनके साथ लूटपाट करते थे। इस तरह के गैंग्स पे काम करने के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी और आज सेक्टर 24 की टीम को सूचना थी। हम लोगों ने सभी संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग के लिए लेट नाइट में हम लोगों ने अपनी टीम्स लगाई थी। मैं इस खबर पर हमारे साथ शिवा जुड़ चुके हैं। शिवा, बड़ी सफलता है क्योंकि बड़ा गिरोह था जो लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए कीर्ति, नोएडा पुलिस को काफी दिनों से इस गिरोह के सदस्यों की तलाश थी क्योंकि दिल्ली से लेकर के नोएडा एनसीआर और उससे आगे जिलों तक के लिए एक गिरोह जो था वो सक्रिय था, जो यात्रियों को लिफ्ट देने के नाम पर वहां से एक कार का इस्तेमाल करता था और उसके बाद से उससे लूटपाट करके उनको हाईवे के किनारे फेंक दिया करता था। कल रात में नोएडा के सेक्टर 35 टी पॉइंट के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें सेक्टर 24 की पुलिस को एक सफलता हाथ मिली है जिसमें चार बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान वीरेंद्र और नदीम दो लोग घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए थे, बल्कि जो दो और बदमाश थे जीतू और सतेंद्र, इन लोगों को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया है। पुलिस के द्वारा ये बताया गया है कि ये चारों लोग अलग अलग तरीके से इन लोगों का जो अपराध करने का तरीका था कि कार या मोटरसाइकिल के द्वारा जो ये लोग थे वो यात्रियों को बैठाते थे और उनसे लूटपाट करते थे और दिल्ली से लेकर के ना सिर्फ एनसीआर बल्कि अलग अलग जनपदों में इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जिसमें लूट और हत्या से लेकर के कई संगीन अपराध इनके ऊपर है। फिलहाल इन दोनों को जो घायल अवस्था में मुठभेड़ के दौरान
गिरफ्तार किए गए हैं, इनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है ताकि इनकी ठीक होने के बाद इन सभी लोगों से पूछताछ की जा सके और इनके गिरोह के जो पैर हैं वो किन जनपदों में हैं और कौन कौन लोग हैं इनके अलावा जो इनके गिरोह में शामिल हैं, इस बात की प्राथमिकता पुलिस के अधिकारी इनसे पूछताछ के बाद करेंगे। फिलहाल इनके पास से कई ऐसे सामान बरामद हुए हैं जो लूटपाट के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो प्लेट हो, असलाह हो और कार हो जिसमें ये बैठा करके लूटपाट करते हैं, तमाम चीजें इनके पास से बरामद की गई है। अब अक्सर ये कहा जा सकता है कि इनसे पूछताछ के दौरान एक बड़े गिरोह का खुलासा जरूर कर सकते हैं। तो यानी कि इनके साथ अभी और लोगों के जुड़े होने की भी आशंका है शिवा? देखिए जैसा मोडस ऑपरेंडिंग का बताया गया है कि 5 से 6 लोग ये लोग हुआ करते थे जो लोगों को यात्रियों के तौर पर बैठाते थे, तो ये कहा जा सकता है कि 4 लोगों की महज गिरफ्तारी हुई है, अन्य इनके सदस्य और भी होंगे जो अलग जनपदों में छुपे होंगे या शायद वो किसी और घटना को अंजाम देने वाले होंगे। तो 4ों से पूछताछ के बाद पुलिस ये जरूर उन दोनों को लोगों को ढूंढने की कोशिश करेगी जो इनके ग्रुप में अन्य सदस्य है। फिलहाल इन 4 लोगों की गिरफ्तारी नोएडा पुलिस के लिए बहुत अहम गिरफ्तारी है क्योंकि ये लोग अपराध में एक बहुत बड़ा क्राइम ग्राफ जो है वो नोएडा NCR के अंदर कायम कर चुके थे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लुटेरों के बड़े गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है, हालांकि इनकी निशानदेही पर और क्या इनके साथ जुड़े हुए लोग मौजूद हैं इस पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आपको बता दें इस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश घायल भी हुए हैं। वही खबरों के बीच रुकेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। डीजीपी मुकुल गोयल का मेरठ दौरा, आज 8 जिलों के कप्तानों के साथ करेंगे समीक्षा। कानून व्यवस्था, कृषि आंदोलन की समीक्षा करेंगे। जनप्रतिनिधि उद्यमियों से बैठक भी करेंगे। तो डीजीपी मुकुल गोयल का मेरठ दौरा, आज 8 जिलों के कप्तानों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे मुकुल गोयल। कानून व्यवस्था, कृषि आंदोलन की भी समीक्षा शामिल। जनप्रतिनिधि उद्यमियों से भी बैठक करेंगे। मुकुल गोयल का आज मेरठ दौरा है, वहां पर वो जाएंगे, कई अहम चीजों पर, मुद्दों पर वो बात करने वाले हैं। 8 जिलों के कप्तानों से भी वो मुलाकात करेंगे, बैठक में मुद्दे होंगे। कानून व्यवस्था की जिस तरह से कृषि आंदोलन लगातार चला आ रहा है उसको लेकर भी बात की जाएगी, क्योंकि लगातार 2022 के चुनाव है और कृषि आंदोलन अब उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सक्रिय होने वाला है, उसको लेकर भी मुकुल गोयल कहीं ना कहीं अपनी बैठकों में चर्चा करेंगे और जरूरी दिशा निर्देश पारित करेंगे। वही गाजियाबाद दरोगा को फिर से मिली ग्रामीण इलाके में पोस्टिंग। एसओ जितेंद्र प्रताप सिंह को मिली निगोहा थाने की कमान। इंस्पेक्टर नंद किशोर को हटाकर जितेंद्र को बनाया प्रभारी। नंद किशोर को मिला इटौंजा थाने का चार्ज। कुछ दिन पहले ही थाने एसओ जितेंद्र का वीडियो हुआ था वायरल। गाजियाबाद के दरोगा को, माफ कीजिएगा, गालीबाज दरोगा एसओ जितेंद्र को फिर से इंस्पेक्टर नंद किशोर को उनकी जगह पर रखा गया है। इटौंजा थाने का चार्ज दिया गया है। कुछ दिन पहले ही एसओ जितेंद्र का वीडियो गाली देते हुए वायरल हुआ था, जिसके बाद ग्रामीण इलाके में उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। एसओ जितेंद्र प्रसाद सिंह को मिली निकोहा थाने की निगरानी। इंस्पेक्टर नंद किशोर को हटाकर जितेंद्र को बनाया प्रभारी। नंद किशोर को मिली टोंजा थाने की चार्ज। वही लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, चिनहट में ओएसएस वेलनेस सेंटर घोटाले का मामला। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को पुलिस ने भेजा नोटिस। कंपनी की निदेशक है फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। फ्रेंचाइजी के नाम पर 1,69,00,000 रुपए जून 2020 में पीड़ित ज्योत्सना पर भी FIR। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चिनहट में ओएसएस वेलनेस सेंटर घोटाला मामला, जिसमें अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को पुलिस ने भेजा है नोटिस। कंपनी की निदेशक है फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। आपको बता दें फ्रेंचाइजी के नाम पर 1,69,00,000 रुपए दिए थे जून 2020 में पीड़ित ज्योत्सना ने कार्रवाई की। वही अगली बड़ी खबर लखनऊ से, राजधानी में फिर दिखा तेंदुआ।
गोमती किनारे जंगलों में एक बार फिर दिखा तेंदुआ। तेंदुए को पकड़ने में नाकाम हुई वन विभाग की टीम। पिछले एक माह से जंगलों में घूम रहा तेंदुआ। इकाना स्टेडियम के पास जंगलों में घूम रहा तेंदुआ। लखनऊ से बड़ी खबर, राजधानी में आप तस्वीर देख सकते हैं, राजधानी लखनऊ की है, जहां फिर गोमती किनारे जंगलों में तेंदुआ घूमते हुए पाया गया। कुछ दिन पहले भी तेंदुए की खबर मिली थी, जिस पर वन विभाग को तत्काल सूचना दी गई थी। तो साफ जाहिर होता है कि वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। राजधानी में फिर दिखा तेंदुआ। शाहजहांपुर में नहीं दिख रहा स्वच्छ भारत अभियान मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की उड़ाई जा रही धज्जियां। बारिश के मौसम में संक्रमण फैलने का खतरा। कीचड़ और जलभराव की समस्या से परेशान ग्रामीण। ग्रामीणों का गली से निकलना दुश्वार। तस्वीरें देख सकते हैं, विकासखंड जैतीपुर क्षेत्र गड़िया रंगीन का मामला। तो शाहजहांपुर में किस तरह से स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सड़कें नहीं बनी है, साथ ही साथ कीचड़ और जलभराव दावत दे रहा है संक्रमण को। कीचड़ और जलभराव से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ग्रामीणों का गली से निकलना तक दुर्भर हो गया है। इस खबर पर हमारे साथ अरेंद्र जुड़ चुके हैं। अरेंद्र, जिस तरह की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन की खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो ग्राम प्रधान है यहाँ पर और सफाई कर्मचारी की जिस तरीके से लापरवाही देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं संक्रमण गाँव में फैलाने की काफी कगार पर है। क्योंकि यहाँ पर सफाई है वो दो महीने से, ग्रामीणों की जानकारी के मुताबिक पता चला है कि दो महीने से यहाँ पर सफाई नहीं हुई है, जहाँ जल भराव जैसी समस्याएं हैं। क्योंकि एक तो वहाँ रोड का निर्माण नहीं है, कोई कच्चा सड़क है जिससे लोग जाने में मजबूर होते हैं। क्योंकि वहाँ पानी भरा हुआ है, तो पानी से निकलने के लिए जो बच्चे पढ़ने जाते हैं कोचिंग के लिए, उनको भी काफी परेशानियां होती हैं। इस बार कई बार ग्रामीणों ने प्रधान से भी कहा, वीडियो से भी कहा, लेकिन जो प्रधान है वहाँ के, वह बताया जा रहा है कि किसी बीजेपी नेता के संरक्षण में रहते हैं और उनके पास प्रधान ही का भी दायित्व है, इसलिए वह किसी ग्रामीण को कोई भी किसी तरीके से सुविधा मुहैया कराने से वाकिफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शाहजहांपुर में किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इससे खासा परेशानी लोगों को हो रही है। वहीं संक्रमण का खतरा भी इस गंदगी के चलते और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो नजर डालते हैं अपनी बाकी खबरों की ओर। रायबरेली जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, पुलिस अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। रायबरेली के उच्चाहार कोतवाली क्षेत्र के मनीरामपुर पुल पर बाइक सवार दबंगों ने अधेड़ युवक को गोली मार दी। गोली मारकर अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं गोली लगने से अधेड़ युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बाइक सवार बदमाशों को पुलिस अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। रायबरेली के उच्चाहार कोतवाली क्षेत्र के मनीरामपुर पुल पर बाइक सवार दबंगों ने अधेड़ युवक को गोली मार दी। इस खबर पर हमारे साथ ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, मैं आपसे आना चाहूंगी, दबंगों द्वारा जो ये हरकत की गई है, अधेड़ को गोली मारी गई है, क्या पूरा मामला है इससे जुड़ा हुआ? देखिए, एनटीपीसी के पंप कैनाल में ये आदमी पंप ऑपरेटर था, अपनी ड्यूटी करके वो आदमी जो है अपने घर को जा रहा था। रास्ते में एक दुकान पर वो रुक गया, वहीं पर दो बाइक सवार आते हैं और इस आदमी की वृद्ध आदमी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और उसके बाद वो आराम से गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाते हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेलओवर है। इस जिले का अपराधों में दिन ब दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस प्रशासन द्वारा, क्या कदम उठाए गए हैं इस पूरे मामले पर? पुलिस अधीक्षक के मुताबिक जो है टीमें गठित कर दी गई हैं और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू हैं। ओम शंकर।
लखीमपुर खीरी के मालीपुर गांव में अज्ञात कारणों के चलते साठ शव के वृद्ध का पेड़ से लटकता शव मिला, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। बता दी कि वृद्ध घर से दो दिनों से गायब था। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नीम गांव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएचओ गजेंद्र सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि मौत का कारण क्या है। तो आपको बता दें कि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 60 साल के वृद्ध का शव पेट से लटकता मिला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।